मौत के बाद पूरा कस्बा सड़कों पर उतर आया और देखते ही देखते सुरक्षा बलों पर पत्थर दागे जाने लगे। पूरा शहर उन पत्थरों से पटा पड़ा था जिनके निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान थे। हालात बेकाबू होते देख जवानों को भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन भीड़ का गुस्सा और धधकता गया। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में जिन दो युवकों को मार गिराया था उन्हें लेकर लोग भड़के हुए थे। लोगों के मुताबिक एक की पहचान हिजबुल आतंकी के भाई के तौर पर हुई तो दूसरा नौजवान हफ्ते भर से लापता था। दोनों युवकों के मारे जाने की खबर फैलते ही त्राल में गुस्से की आग धधक उठी। चंद दिन पहले रिहा किए गए आतंकी मसर्रत और अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पुलिस ने शहर में घुसने से पहले ही धर दबोचा। सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों युवकों की असली पहचान क्या थी, कहीं कोई चूक का मसला तो नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इंडिया 360 में इतना ही ब्रेक।